हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर सीट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है ना, जो लास्ट वीडियो में हमने कैलिब्रेशन ऑफ सीट ड्रिल जो देखा था वो भी अब एक प्रकार से टेस्टिंग ही होता है। तो जो यूनिफॉर्मिटी होता है आपका सीट ड्रिल का, मतलब जो सीट मीटरिंग मैकेनिज्म है एक्चुअल में, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी इट मीन्स एक यूनिफॉर्म मैनर में वो सीट ड्रॉप कर रहा है कि नहीं है, इसकी जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे ये टेस्ट होता है, ये जनरली इसके दो मेथड होते हैं, एक आपका स्टिकी बेल्ट मेथड होता है और एक होता है आपका सैंड बेल्ट मेथड। ठीक है ना, तो जैसे कि आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम है और एक और सैंड बेल्ट मेथड का डायग्राम है। ठीक है, इसको सिर्फ डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेस्ट आर डन टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन मीटरिंग ऑफ सीट। ठीक है, कि जो यूनिफॉर्मिटी है आपका किसका, सीट का जो मीटरिंग मैकेनिज्म है उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, उसको जनरली दो मेथड होते हैं, एक आपका स्टिकी बेल्ट मेथड है जो ये वाले स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका सैंड बेल्ट मेथड। ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि स्टिकी बेल्ट मेथड में कैसे होता है, या फिर जो आपका जो टेस्टिंग है, मतलब जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ मीटरिंग का उसका टेस्टिंग है वो कैसे होता है। तो अब देखो, जैसे कि इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, एक हॉपर बोलो या फिर सीट बॉक्स बोलो, और यहाँ पर एक एंड में इसमें क्या लगा हुआ है, जो सीट मीटरिंग मैकेनिज्म, जिस भी आपका सीट मीटरिंग, जो भी आपका सीट मीटरिंग डिवाइस है उसको वहां पर आप क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। अब जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सीट मीटरिंग मैकेनिज्म पढ़े हुए थे, तो जो भी आपका सीट मीटरिंग मैकेनिज्म यूज होता है किसी भी सीट ड्रिल में, तो सबका क्या किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट किया जाता है। अब देखो, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका ये है कि जैसे कि आप अगर एक्चुअल में जब इसको फील्ड में आप क्या करोगे, ऑपरेट करोगे सीट ड्रिल को, जब आप फील्ड में ऑपरेट करोगे, तो अगर आपका जो ड्रिलिंग है, मतलब जो आपका मीटरिंग मैकेनिज्म है, वो अगर यूनिफॉर्म सीट को पीक और ड्रॉप मतलब नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अनइवन शोविंग हो जाएगा। ठीक है ना, अनइवन शोविंग मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जो नंबर ऑफ सीड है वो ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, और फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो नंबर ऑफ सीड है वो क्या हो जाएगा, कम ड्रॉप हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो नंबर ऑफ सीड है वो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो इससे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जो पर्टिकुलर जिसकी आपका जो सॉइल जो फील्ड है उसमें जो सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ सीड अगर आपका ज्यादा हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीड ज्यादा हो गया तो वहां पर जर्मिनेट होगा सारा सीड, तो जो उस एरिया में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो जैसे कि वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो जो आपके जितने भी सीड है वहां पर सबको क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत तो पड़ेगी ग्रो करने के लिए, तो जो वहां पर न्यूट्रिएंट है वो सारे प्लांट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपका जो कोई भी प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। और सेम अगर आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ सीड है वो कम हो गया, तो क्या हो जाएगा कि अब देखो न्यूट्रिएंट उतना ही है, आप प्लांट वहां पर कम है तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो उसका ग्रो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आपके फील्ड में क्या होगा, अनइवन ग्रो देखने को मिलेगा। ठीक है, अनइवन ग्रो देखने को मिलेगा, मतलब जहां पर आपका नंबर ऑफ सीड ज्यादा हो गया वहां का जो क्रॉप है उसका ग्रो आपको ठीक से नहीं देखने को मिलेगा, जहां पर आपका नंबर ऑफ सीड कम हो गया वहां आपको ग्रो ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट का फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है वहां पर, क्योंकि मतलब जो क्रॉप है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उतना न्यूट्रिएंट यूज करेगा, बाकी न्यूट्रिएंट तो आपका सॉइल पे ही रहेगा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए जो आपका सीड ड्रिल होता है उसका एक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करने के लिए वही दो मेथड है आपका, एक स्टिकी बेल्ट मेथड और दूसरा क्या है आपका सैंड बेल्ट मेथड। तो स्टिकी बेल्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देखो, अब इमेज में देखो ये यहां पर जैसे कि ये वाला डायग्राम को देखो आप, ये जो मतलब जो नाम लिखे हुए, एक ऑयल पंप लगा हुआ, ये एक कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर ये क्या है आपके दो ठो रोलर हैं, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, स्क्रैपर लगा हुआ है। स्क्रैपर क्या काम कर रहा है, जो भी यहाँ पर सीट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, जो सीट ड्रॉप होगा उसको वापिस एक जगह क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। अब देखो इसमें काम कैसे होता है, या फिर
होता कैसे? एक्चुअल में ये जो रोलर है इसके ऊपर आपका जो बेल्ट है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ये क्या होता रहता है, ऐसे कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है। और जैसे कि ये कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है तो इसमें क्या करते हैं, जो इसके आउटर सरफेस जो होता है ना, बेल्ट का जो आउटर आउटर पेरिफेरी का जो सरफेस है, इसमें क्या कर देते हैं हम, ऑयल एप्लीकेट कर देते हैं। मतलब कोई भी ऐसे चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं उसके ऊपर, मतलब एक उसका एक लेयर टाइप से बन जाता है, इसका एक जो ऑयल हो चाहे जो भी स्टिकी मटेरियल है उसको क्या लगा देते हैं, लेयर बना देते हैं। ठीक है, मतलब एक लेयर का अप्लाई कर देते हैं वहां पर। तो क्या होता है, जब ये आपका बेल्ट ऐसे रोटेट होता है, तो यहां पर देखो ये सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है, यहां से एक ट्यूब के थ्रू यहां पर ये ऐसे अटैच है। तो देखो जब सीड ड्रॉप होगा, ठीक है ना, तो सीड ड्रॉप होगा तो ये जो बेल्ट है इसके आउटर पेरिफेरी में, देखो यहीं पर क्या हो रहा है, आपका ऑयल एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ऑयल एप्लीकेशन हो रहा है यहां पर, तो क्या होगा, जैसे ही सीड ड्रॉप होगा उस बेल्ट के ऊपर, तो वो बेल्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है ना, मतलब जिस प्लेस में आपका सीड ड्रॉप होगा वहां पर वो चिपक जाएगा। अब उसके बाद ये देखो ये बेल्ट तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, तो ये जैसे ही आगे आएगा यहां पर, देखो जैसे कैमरा भी लगा हुआ है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है ना, कि जो ड्रॉप हो रहा है तो उससे तो कहीं जो आपका सीड है वो स्कैटर्ड इधर उधर तो नहीं चला जा रहा, तो सारे चीज क्या होता है प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है वहां पर। ठीक है ना, कि वो कितने हाइट से गिर रहा है ये सारा चीज देखा जाता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसके बाद इसको मैन्युअली काउंट कर लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि यहां पर देखो ये कंटिन्यूसली 3 सीड है, यहां पर थोड़ा डिस्टेंस में है, मतलब फिर यहां पर 2 सीड है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि वो जो न्यूट्रेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है, कि न्यूट्रेंट जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रेंट की, वो तो पर्टिकुलर एरिया में फिक्स होता है, तो जो प्लांट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी फिक्स होता है। तो अगर नंबर ऑफ प्लांट्स अगर ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी वहां पर। तो ये सारे चीज को ध्यान को रखते हुए अपन क्या करते हैं, जो सीड ड्रिल है उसका यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं, ताकि इंटायर फील्ड में, कंप्लीट उस फील्ड में एक यूनिफॉर्म मैनर में आपका क्या चीज हो सके, आपका सीड को आप शो कर सको। तो इसलिए क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिली टेस्ट करते हैं। उसके लिए एक तो हो गया आपका स्टिकी बेल्ट मेथड। तो अगर जैसे कि आपका एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि सीड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के बारे में लिखिए करके, तो आप 2 मेथड लिखना, स्टिकी बेल्ट मेथड होता है और सैंड बेल्ट मेथड होता है। ये वाला डायग्राम बना देना आप, जैसे उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसका पूरा अरेंजमेंट होता है ना लैब में, अरेंजमेंट होता है, तो ये कन्वेयर बेल्ट हो गया, 2 ठो रोलर लगा होता है, ये स्क्रैपर हो गया। अब देखो ये मैनुअली इसको क्या कर लिया, अब काउंट कर लिए, बट ये तो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है ना, तो यहां पर जो भी आपका सीड ड्रॉप हुआ है उसको यहां पर स्क्रैपर की मदद से क्या करते हैं, इसको वापिस इससे हटा देते हैं। ठीक है, फिर वापिस से जैसे ये रोटेट होते हुए ऐसे जाता है, वापिस से यहां पर ऑयल एप्लीकेशन होता है या फिर जो भी स्टिकी मटेरियल अप्लाई करते हैं उसके आउटर सरफेस पे, आउटर पेरिफेरी से वापिस से आपका सीड ड्रॉप होगा, फिर वहां पर आप उसको मैनुअली उसको क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे। तो ऐसे क्या होता है, एक मेथड ये हो गया स्टिकी बेल्ट मेथड। इसको स्टिकी बेल्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोलर के ऊपर क्या लगा रहता है, एक बेल्ट लगा होता है, और बेल्ट के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल का क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें आपका क्या हो जाता है, सीड ड्रॉप होकर चिपक जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी बेल्ट मेथड। देखो ऑयल ऑयल सप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक क्या चीज लगा हुआ है, एक ऑयल पंप भी लगा हुआ है, तो यहाँ जो जैसे कि ऑयल का क्या होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन होता है, यहाँ से ये सम्प हो गया मान लो कि जाए, जहां पर ऑयल स्टोर है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ऑयल का एप्लीकेशन कर रहा है। ठीक है, एक नोजल लगा देते हैं ऐसे, वो क्या करता है, वो स्प्रे करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज आपका, टेस्ट फॉर सीड यूनिफॉर्मिटी, उसका एक मेथड हो गया स्टिकी बेल्ट मेथड। अब देखो सेकंड क्या है आपका, सैंड बेड मेथड। तो सैंड बेड मेथड में क्या होता है कि एक जैसे कि कोई भी आपका फील्ड है या फिर जनरली ये भी लैब में परफॉर्म होता है, तो सैंड का एक बेड बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको इस इमेज में, सैंड का क्या बनाते हैं, सीड बेड बनाते हैं रेत का। ठीक है, सैंड मतलब रेत का। अब उसके बाद क्या करते हैं, वहां पर आपका जो सीड ड्रिल है या फिर प्लांटर है जिसका आपको यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना है, उसको क्या करते हैं, एक्चुअल में वहां पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, आपका जो सीड बॉक्स हो गया या फिर जो हॉपर हो गया उसमें सीड या फिर फर्टिलाइजर फील कर देते हैं, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है ना, ट्रैक्टर की मदद से उसको क्या करते हैं, अपन यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो जब ऑपरेट करेंगे तो आपका जो ग्राउंड व्हील है वो रोटेट होगा, सारा शेड्यूल आपका वर्क करेगा, तो उसमें क्या होगा, जो सीड जो मीटिंग मैकेनिज्म है, सीड बॉक्स से सीड को पिक करके वहां पर आपके फर ओपनर के पीछे क्या कर देता है, उसको वो ड्रॉप कर देगा। फिर ड्रॉप करने के बाद एक आप एक राउंड इसे इसको ऑपरेट कर लिए, 2 राउंड ऑपरेट कर लिए, उसके बाद उसको क्या करते हैं, मैनुअली काउंट कर लेते हैं, सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं कि
जो 2 फीट के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितने कितने डिस्टेंस के बीच में एक पर्टिकुलर से लेंथ ले लिए हम, मान लो जाए जैसे कि ये जितना भी इसका डिस्टेंस होगा आप 10 मीटर के रेंज में ले लिए, मान लो जाए यहाँ से यहाँ तक आप 10 मीटर है, आप 10 मीटर में ऐसे मेजर कर रहे हो कि 10 मीटर के दौरान कितना सीड है, नंबर ऑफ सीड कितना है 10 मीटर में, और एक सीड से लेकर दूसरे सीड के बीच का आपका डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये सारा चीज मेजर किया जाता है कि इसमें सैंड बैग मेथड में। सैंड बैग मेथड इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो सीड बेड होता है वो सैंड का बनाया जाता है, इसलिए जनरली इसको क्या बोलते हैं, सैंड बैग मेथड। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कर, मतलब जो सीड ड्रिल का यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को करने के लिए आपका 2 मेथड है, एक आपका स्टिकी बेल्ट मेथड हो गया और सेकंड वन क्या हो गया आपका सैंड बैग मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड आपका टेस्ट करने के लिए यूज होता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, मतलब 2 मैथड था, दोनों को डिस्कस कर लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।